बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक है? अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम लोग बेसन के लड्डू तैयार करेंगे, जिसमें मैंने 2 कप बेसन लिया है, इसको मैंने छान के रखा हुआ है। 1.5 कप मेरे पास चीनी ग्राइंड की हुई है मैंने, 4 चम्मच पीसे हुए बादाम है मेरे पास, 2 चम्मच स्लाइस में कटे हुए बादाम है, 2 चम्मच क्रश किया हुआ पिस्ता, 2 चम्मच क्रश किया हुआ काजू, 4 ग्रीन इलायची को कूट के रखा हुआ है, 1/2 कप देसी घी। तो चलिए शुरू करते हैं, चूल्हे को ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धीमी आंच रखनी है आपने। बेसन ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम बेसन को अच्छी तरह भूनेंगे। हम इसे पहले इसलिए भून रहे हैं कि बाज़ औक़ात ना पुराना बेसन होता है तो उसमें से जो स्मेल होती है ना, तो वो इस तरह पहले भूनने से ना खत्म हो जाती है, तो इसलिए इसे हम पहले 5-6 मिनट भूनेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो खत्म हो जाए। तो बेसन को हमने 5 मिनट भून लिए। थोड़ी सी चुटकी बाद हम हल्दी ऐड करेंगे जस्ट कलर के लिए। अगर आप वो कलर यूज करना चाहते हैं येलो या लाल तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अब हम घी ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच आपने बिल्कुल लो रखनी है, तभी अच्छा बेसन बना जाएगा। आप अगर थोड़ा मोटा बेसन यूज करना चाहते हैं तो फिर आप चने की दाल लेके उसको जरा मोटा मोटा ग्राइंड कर लीजिएगा। हम रेगुलर यूज कर रहे हैं, उनके पास लोग जरा दरदरा बेसन पसंद करते हैं ना, इस वजह से। तो इसे अब हम आराम से ऐसे बस भूनते जाएंगे जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। तो देखिए 10 मिनट हो गया मुझे भूनते हुए बेसन को। तो पीसे बादाम ऐड कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ना मेरी भी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी। तो अभी हम इसे 5 मिनट तक और भूनते हैं, जरा और अच्छा सा भून जाए बेसन। तो आपने अगर 4 कप लेना है बेसन तो फिर आपने 1 कप घी का लेना है, क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। तो ये देखिए हमने 5 मिनट और इसे भून लिया। अब हम चूल्हे को बंद करते हैं, इसे अब हम ठंडा करने के लिए निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े बर्तन में निकाल लेंगे ना ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। हमने बेसन को 1 बर्तन में निकाल लिया और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चीनी वगैरह ऐड करेंगे। तो इसे अब हम रख देते हैं अभी। तो ये देखिए ठंडा हो गया पेस्ट पूरा। अब हम इसमें चीनी ऐड कर लेते हैं 1 कप। तो ये देखिए हमने चीनी ऐड कर लिया इसके अंदर 1 कप, इलायची पाउडर जो हमने कूट के इलायची रखी हुई थी वो वाली। चीनी अच्छे से मिक्स कर ली है, बस आपने यही कोशिश करनी है कि जब अच्छे से ठंडा हो जाए बेसन फिर आपने चीनी ऐड करनी है। गरम अगर बेसन होएगा ना तो फिर आप चीनी ऐड करेंगे तो वो पानी पानी हो जाएगा ना, वो सही नहीं रहेगा। तो इसलिए जब ठंडा हो जाए आपका बेसन फिर आपने चीनी ऐड करनी है। तो अगर आपको लगे कि पतला हो गया आपका बेसन तो फिर आप चीनी और ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि आपका बेसन गाढ़ा हो गया है ज़्यादा तो आप फिर घी ऐड कर लीजिएगा। तो अब हम पिस्ता बादाम ऐड कर लेते हैं जो हमने काट के रखे हुए हैं। बादाम ऐड कर लेते हैं, पिस्ता ऐड कर लेते हैं, काजू ऐड कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिए सारे बादाम पिस्ता वगैरह। तो अब हम इसके लड्डू तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आपने ऐसे थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इसे आपने जैसे कोफ्ता तैयार करना होता है ना उस तरह आपने इसको बनाते जाना है। तो इस तरह आपने तैयार करके तो रखना है। तो ये देखें हमारा 1 लड्डू तैयार हो गया, इसे मैं रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह दूसरा भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखें ये वाला भी तैयार हो गया हमारा लड्डू, बाकी के भी हम तैयार करके तो मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह। तो ये देखें लड्डू हमने तैयार कर लिए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम कोकोनट ऐड कर लेते हैं पिसा हुआ। थोड़ा थोड़ा ऊपर हम पिस्ता रख देते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत लजीज। तो ये देखिए तैयार है हमारे बेसन के लड्डू, बहुत ही मजे के, बहुत ही अच्छे, बहुत ही लजीज। तो आप भी ट्राई कीजिए अपने घर वालों के लिए, सबके लिए तैयार करें, सब बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह। तो इन्हें आप किसी डब्बे में पैक करके तो फ्रिज में रख दें, इंशाल्लाह 3 महीने तक ये बिल्कुल सेफ रहेंगे, बिल्कुल सही रहेंगे। तो आप जब चाहे निकाल के तो चाय के साथ आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको इंशाल्लाह।
तो इसी के साथ मुझे आप इजाजत दें, कल इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात करूंगी आपके साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।